यह एक ऐसी घड़ी है जो विदेशी लोगों के लिए जर्मनी की पहचानों में से एक है। यह मूल रूप से जर्मनी के प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र से उत्पन्न होती है। इसके जटिल निर्माण प्रक्रिया और विशेष एक्सपोजर साउंड के कारण इसे स्थानीय में सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प का रूप में बना दिया गया है। इस प्रकार की घड़ियां अक्सर बोधिवृक्ष के लकड़ी से बनती हैं, जो बहुत आसानी से उकेरी जा सकने वाली एक नरम लकड़ी है। शिल्पकला के मामले में शिल्पकला उपकरणों और विशेष सज्जता के लिए जाना जाता है। शिल्पकला के लिए नकाशा बनाने के लिए शिल्पकला कलम और पेंट का उपयोग करते हुए कारीगर पहले लकड़ी की पट्टी पर एक छायाचित्र बनाता है। फिर वह छायाचित्र के रूपरेखा के अनुसार एक स्कूल बनाने के लिए एक स्कूल का उपयोग करता है। वह एक ही लकड़ी ब्लॉक से तीन बराबर के आकार के टुकड़ों को काटने के लिए इसे एक दूसरे लकड़ी ब्लॉक के ऊपर बाहर की चोट पर सुरक्षित कर देता है। इसके बाद उन्होंने इसे विवरण से उकेरने के लिए लकड़ी की ब्लॉक पर सुरक्षित किया। फिर उन्होंने इसे 5 दर्जन चाकू का उपयोग करके मुख्य रूप से इस पर विवरण बनाने के लिए इसे धीरे धीरे नुकीला किया। इस घड़ी के बाह्य घेरे में आमतौर पर देवदार या प्लाईवुड का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट रूप से विभिन्न मॉडल्स के लिए योजना बनाई जाती है, लेकिन आमतौर पर इसके बाह्य घेरे पर विवरण नकारात्मक रूप से इसके आभूषण के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर शिल्पकला ने धूप चढ़ान और विरोधी रूप से बनाए गए चित्रों का उपयोग किया गया है। कुछ घड़ियों की सजगता यह है कि उनकी खोखली सामान्यता पाइनवुड या प्लाईवुड से बनी होती है, जिसकी चयन को विभिन्न मॉडल्स के लिए निर्धारित किया जाता है, लेकिन बाह्य घेरे पर कभी कभी नकारात्मक रूप से बनाए गए आकृतियों का उपयोग किया जाता है और उनकी सजीव चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए कविता कलम से धूप चढ़ान बनाया जाता है। इस घड़ी के कोर की कला वास्तव में इसके अंदर है, इसे मशीन कहा जाता है। यह एक छोटे आकार का है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि घड़ी सामान्य रूप से काम करती रहे। इसके साथ ही यह इस घड़ी के विशेष ध्वनि का स्रोत भी है। इसके आवृत्ति को सुनिश्चित करने के लिए कारीगर 2 पीतल शीटें मशीन के ऊपर रखेंगे और फिर उन्हें 4 कोनों से बोल्ट से बंधा देंगे। इसके बाद कारीगरें 2 पीतल की शीटों को मशीन पर रखती हैं और फिर उन्हें 4 कोनों से बोल्ट से बांधती हैं। फिर उन्हें मशीन को चलाकर घड़ी में समर्थन और समय की सूची के लिए आवृत्ति की जांच करने के लिए बाध्य कर देती है। इसके बाद वे कागज की छाया को मशीन की ऊपरी सतह पर स्थापित करती हैं और धीरे धीरे कागज की ऊपरी सतह की रेखा को मशीन की ऊपरी सतह के आधार पर काटती हैं। फिर वे उसी लकड़ी ब्लॉक के ऊपर समाप्त होने वाले 3 आकृतियों को बनाने के लिए इसे एक दूसरे लकड़ी ब्लॉक के ऊपर बाहर की चोट पर सुरक्षित कर देती। उसके बाद उन्होंने इसे विवरण से उकेरने के लिए लकड़ी की ब्लॉक पर सुरक्षित किया। फिर उन्होंने इसे 5 दर्जन चाकू का उपयोग करके मुख्य रूप से इस पर विवरण बनाने के लिए इसे धीरे धीरे नुकीला किया। इस घड़ी के बाह्य घेरे में आमतौर पर देवदार या प्लाईवुड का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट रूप से विभिन्न मॉडल्स के लिए योजना बनाई जाती है, लेकिन आमतौर पर इसके बाह्य घेरे पर विवरण नकारात्मक रूप से इसके आभूषण के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर शिल्पकला ने धूप चढ़ान और विरोधी रूप से बनाए गए चित्रों का उपयोग किया गया है। कुछ घड़ियों की सजगता यह है कि उनकी खोखली सामान्यतः पाइनवुड